अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि ये फील्ड टोटली मेरे लिए न्यू है। ठीक है, वलीद भाई हमारे साथ हैं। वलीद भाई का पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस है, किस टेक्नोलॉजी में इन्होंने काम किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और सऊदी अरेबिया में किस टेक्नोलॉजी में ये काम कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इनसे। अभी जो कन्वर्सेशन की थी मैंने इनसे पॉडकास्ट से पहले, और ऑब्वियसली अब सारा कुछ इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये एज अ BSS और OSS डिवेलपर टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और इट्स अ बिग कंपनी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, STC है। और एवरीबडी जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रहता है उसको पता है STC कौन सी कंपनी है। सो थैंक यू सो मच वलीद, कैसे हैं आप? तो इसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वलीद भाई, मुझे लगता है ये डिटेल में जाने वाली है कन्वर्सेशन, तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। और कहाँ से आपने स्टार्ट किया, करियर कैसे स्टार्ट हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से की पाकिस्तान में, सारा डिटेल। जी, मेरा नाम वलीद है और मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ। ठीक है, मिनहाज यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है। सही। और यूनिवर्सिटी के साथ ही मैंने अपना ये फील्ड का में काम करने का जो है ना सिलसिला वो शुरू कर दिया था। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी का ये किरदार है, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। सही, वहाँ से ही स्टार्ट लिया था। तो उसके बाद वहीं पे यूनिवर्सिटी शुरू कर दी और साथ साथ ये काम करता रहा पार्ट टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं इस कंपनी में, जिस कंपनी में करंटली हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर, इधर रिमोटली काम किया कुछ अर्सा, फिर इधर सऊदी अरब ऑन साइट आया। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ज्ञान की आपने बताया जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, जी स्टार्टिंग में ही आपने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, किस चीज़ में, मतलब कि आपने काम? मैंने स्टार्ट किया था PHP डेवलपर से, बैक एंड डेवलपर, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रंट एंड भी शुरू किया, वो तो सिंपल HTML CSS, फिर उसके बाद मैं रिएक्ट पे भी मूव कर गया था बिकॉज हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था। सही, तो एज अ स्टार्टअप हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें लॉन्च किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस फील्ड में अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस अच्छा बनाए। बेहतरीन, वहाँ से मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई, वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई और आपको एक मतलब कि ना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया और एक्सपीरियंस आपने लेना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है, वैसे कोई यूनिवर्सिटी अच्छी बात है, पाकिस्तान में कोई नहीं करता बिल्कुल, लेकिन मैं सबको यही कहूंगा कि करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है, जो हमें पता नहीं चलता वो इधर उधर ही निकल जाता है। बिल्कुल, के टाइम में बहुत टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? तो ग्रेजुएशन के वक्त मैंने ये छोड़ दिया था यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद इस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था लिंक्डइन पे। ठीक है, मेरा एक रेफरेंस था, उसके थ्रू मुझे उन्होंने अप्रोच किया, उसके बाद जो है ना मैं इधर स्टार्ट कर। आप ग्रेजुएशन के बाद ये कह सकते हैं मेरी फर्स्ट की जॉब। अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि फर्स्ट जॉब आपकी यहाँ पे, एक एज अ रेफरेंस आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी। जी, अब मुझे बताएं मतलब कि कंपनी ने आपको फैसिलिटेट कैसे किया, वीज़ा वगैरह, आप आज़ाद वीज़ा पे आए थे, क्या सिनेरियो था? जी, मैं इधर जो विजिट वीज़ा होता है, बिजनेस विजिट वीज़ा, उस पर आया, वो कंपनी ने सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की थी मुझे बाई पोस्ट, उन्होंने भेज दी थी पाकिस्तान में। सही, फिर मैं एम्बेसी गया, अप्लाई किया और वो वीज़ा इजीली लग जाता है, वो फर्स्ट टाइम तो मेरा काफ़ी इजीली लगा था, सेकंड टाइम उन्होंने कुछ इश्यूज बनाए थे और 3-4 महीने का मुझे गैप आया था। सही, लेकिन वो वीज़ा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हों तो वो 7 से 8 दिन में आपको मिल जाए। सही, बेहतरीन, और फिर आप ट्रैवल कर सकते। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिजनेस विजिट वीज़ा जो कंपनीज मतलब कि कामा नहीं प्रोवाइड करती वो मतलब कि फिर बिजनेस विजिट वीज़ा पे आपको बुला लेती हैं, वो 1 साल का होता है जिस पर आप कंपनी के लिए काम कर सकते हो और कंपनी को जो चीज़ें चाहिए वो उनको प्रोवाइड करने के बाद आप वापस पाकिस्तान जा। जी, पाकिस्तान जा। ठीक है, अब आते हैं आपकी, आप थोड़ा सा आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बताएं जो आप काम कर रहे हैं, टोटली डिटेल में जाना है। जी, टोटली। तो मेरे जो फील्ड है वो टेलीकॉम की है और वो प्रोडक्ट है EOC, एरिक्सन ऑर्डर केयर, जो कि एरिक्सन का अपना सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई हेल्प नहीं है ऑनलाइन, जैसे ही मैंने बोला, लेकिन उसकी हेल्प सेट काफ़ी डिटेल्ड है और सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो हमारा बेसिकली काम है ऑर्डर ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्डर फुलफिलिंग। तो जैसे अगर किसी ने नई सिम बाय करनी है तो वो ऐप पे जाता है और ऐप पे जाके न्यू सिम डिलीवर करवाता है, फिर उसके बाद एक ऑर्डर उसका प्लेस हो जाता है जनरली, फिर उसके बाद उसके बायोमेट्रिक्स, फिर उसकी डिफरेंट सर्विसेज एक्टिवेट करना, जैसे नेटवर्क पे उसको एक्टिवेट करना, फिर उसकी CRM में रिलेशन मैनेजमेंट में एंट्री करवाना, फिर उसके अलावा अगर कोई उसको इशू आ रहा है तो उसकी टिकट जनरेट करनी, या ये सारा काम, रिचार्ज करना, कोई ऑफर बाय करना,
ट्रांसफर ऑनरशिप करना, सब्सक्रिप्शन मैनेज करना, ये सारा कुछ जो है वो एरिक्सन के सॉफ्टवेयर ऑर्डर केयर के थ्रू होके जाता है जी। बेहतरीन, ठीक है। तो सारा काम हमारा API बेस्ड, जो सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पांस के ऊपर हमारा चल रहा है। सही, तो ये बेहतरीन। एक सिर्फ फुलफिलमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ ऑर्डर को फुलफिलमेंट करेगा, उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो दूसरे सिस्टम हैंडल करते हैं, जैसे कि कॉल के टाइम पे आपने कितने मिनट्स डिडक्ट करने हैं या कितने GBs कंज्यूम करनी है, वो सारे दूसरे सिस्टम। लेकिन हमारा काम है कि इनिशियली एक लिमिट सेट कर देना, और इस नंबर को 100 मिनट्स देने हैं, इसको 500 GB देना है, या जितने भी रिसोर्सेज उसको देने हैं, और सही, इसको किस नेटवर्क पे एक्टिवेट करना है, इसकी प्रोफाइल 5G होगी या 4G होगी, ये सब कुछ प्रोवाइड करना ठीक है, बेहतरीन। जी। अब मुझे थोड़ा सा बताएं इसका स्कोप, मार्केट में स्कोप क्या है इस मार्केट फील्ड में से। स्कोप तो फिर उतना ही है जितने टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके अलावा इसका इतना स्कोप नहीं होगा। लेकिन काफ़ी सारे नए, आपको पता है, टेलीकॉम प्लेयर्स आते हैं रहते हैं मार्केट में, और उसके अलावा कंपनी अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी करती रहती है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में PTA है, यहाँ पे CSP है, वो रेगुलेट करती है, वो एक अथॉरिटी है, वो रेगुलेट करती है हर चीज़ को, कि ये जो सिम है ये या जो नेटवर्क है वो क्या क्या सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा कस्टमर, तो उस हिसाब से हमारी फैसिलिटीज आती रहती हैं। जैसे यहाँ पे सऊदी अरब में ज़्यादातर चीज़ें वो डिजिटल करना चाह रहे हैं कि कस्टमर को कभी भी सर्विस सेंटर जाना ना पड़े, सब कुछ उसको ऐप पे मिले। जैसे ट्रांसफ़र उसने करनी है सिम, या उसने अपनी सिम टर्मिनेट करनी है, उसको कहीं जाके फिजिकली जाके काम ना करना पड़े, तो सारा कुछ डिजिटल करने के लिए, तो इस वजह से इधर ज़्यादा काम हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है। उसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स STC में काफ़ी चलते रहे सही। जी। सो यहाँ पे आपको सऊदीया में अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में आपको लगता है कि इंक्रीज हो रही है विद द टाइम। इंक्रीज तो ऐसा सच नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ नई फील्ड जैसे नई चीज़ें आ रही हैं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उस वजह से इंक्रीज हो रही हैं। या अगर नया प्लेयर आता है, जैसे रेडबुल जो है वो रिसेंटली आया है, रेडबुल ने एक अपना नेटवर्क लॉन्च किया है तिमारा करके, जी और उसके अलावा मोबाइल ही है, जैन है, उन्होंने भी अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए काम कर रहे हैं। सही, तो यही सारी फील्ड्स हैं जो, यही सारी कंपनीज हैं जो इस फील्ड के रिलेटेड इंक्वायर कर रहे हैं ठीक है, जी। बेहतरीन। सो ओके अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, जी जी ठीक है। ओबियसली आपको तकरीबन 2 साल हो गए हैं जी यहाँ, 2 साल हो गए। तो इस फील्ड से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको लगी हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें अच्छा, आपको लगता है टेली यार। कम्युनिकेशन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इधर फ्रंट एंड डेवलपर्स भी चाहिए होते हैं, iOS डेवलपर्स भी चाहिए होते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें, डेटाबेस डेवलपर्स, और उसके अलावा ETL जो डेटा इंजीनियर्स हैं वो भी चाहिए होते हैं, फिर उसके अलावा STC IoT में भी काफ़ी काम कर रहा है, तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। है। सिर्फ एक नेटवर्क ही नहीं है STC का काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सही, जिस वजह से STC में ऑलमोस्ट STC का हेडक्वार्टर्स आपने देखा है, हाँ, इट्स वो तो वो पूरा एक ब्लॉक है, और बिल्कुल, उसमें सिर्फ यही डेवलपर्स तो नहीं बैठे हुए, एग्जैक्टली, पाकिस्तान से भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो फ्लटर पे काम कर रहे हैं फॉर STC, या एंगुलर पे काम कर रहे हैं STC की वेबसाइट के लिए, तो सही, काफ़ी सारे डिजिटल सोल्यूशन हैं। फिर STC ने अभी रिसेंटली, आई डोंट थिंक सो मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए तो मैं नहीं कहूँगा, एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो अभी टेस्टिंग फेज में है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें वो लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है। सोदिया का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? सऊदीया का फ्यूचर अभी तो काफ़ी ब्राइट है, ठीक लग तो है, ऐसे ही रहा है, क्योंकि बिल्कुल, उनका जो विजन 2030 है उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीज़ें, AI का बहुत स्कोप है इधर, फिर उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों का स्कोप, डिजिटली IT की फील्ड में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं ठीक है, इंशाल्लाह बेहतरीन, नियर फ्यूचर जी। इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा ना, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं टेक के अंदर, ठीक है। जी जी आजकल बड़ा बूम चला हुआ है, AI, ये वो जी रेवोल्यूशन है, वो क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनाइजेशन, सारी जी चीज़ें, जी ये हाँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है, मतलब कि ये ऑथेंटिक है या फॉर द टाइम ही बस एक बूम चला ये हुआ है? है तो ऑथेंटिक, जॉब्स काफ़ी सारी नई भी क्रिएट होंगी और कुछ जॉब्स शायद ऑब्सोलीट हो जाएं, लेकिन
जैसे कि पहले भी लोग कहते हैं कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकती हमें, एग्जैक्टली लेकिन जो बंदा एआई यूज़ कर रहा है ही कैन रिप्लेस यू इजीली, और यही होगा। तो एआई को अडेप्ट करना चाहिए, नई चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब तो बेसिक कोड मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कोई भी नहीं लिखता, लिखता एग्जैक्टली बस चैट जीपीटी या कहीं और सोल्यूशन पे जाके सिर्फ वो अपनी रिक्वायरमेंट समझाता है और वो कोड उठा के तो चलाने लगेगा। इवन कि आपको अगर कोई लॉजिक बनाने में नहीं समझ आ बन रही नहीं नहीं होगी बन ही नहीं रही अगर आपकी लॉजिक, तो आप चैट जीपीटी से पूछो, अपनी जी। जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा वो आपको हाँ सिनेरियो जी, एक कुछ ना कुछ बना देगा। अब तो चैट जीपीटी के सॉल्यूशंस लोकली भी आ गए हैं, जो हम लोकली इंस्टॉल हाँ करके, एग्जैक्टली इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है जरूरत उसके नहीं। लिए। तो आप थोड़ा सा आपकी कंपनी की तरफ जाते हैं, जी आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट किस तरह का है और कंपनी ने आपको किस तरह से फैसिलिटेट किया अच्छा, हुआ है ये सो आप बता दें। हमारी कंपनी तो बेसिकली इजिप्ट की कंपनी है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है एसटीसी की, हम डायरेक्ट एसटीसी में नहीं है। जी तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बाकी हम क्लाइंट साइड पे बैठे होते हैं तो एनवायरनमेंट क्लाइंट साइड का ही है। जी तो क्लाइंट साइड पे हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे, तो वो मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस हैं, सही लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छे लोग हैं सही। अच्छा और काफ़ी तरीके से लेके चलने वाले हैं। आजकल कुछ सालों से मैं देख भी रहा हूँ, 1-2 साल से, कि सोशलाइजेशन एक बड़ा जी जी इशू, एक फैक्टर बना हुआ है यहाँ पे। तो हाँ जी आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सोदिस जी हमें रिप्लेस कर देंगे या क्या आपको जी लगता है? रिप्लेस तो वो एज सच अभी तक नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में सऊदीज अभी इतने इक्विप्ड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस फील्ड की तरफ ही आ रहे हैं। मैनेजमेंट लेवल से वो शुरू कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल से वो आ रहे हैं, मैनेजर्स इधर भी एसटीसी में डायरेक्टली जो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादातर सऊदीज हैं, जी और जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान से हैं, इजिप्ट से हैं और नेशनलिटीज़ के हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी वो उसमें टाइम है, अभी अच्छा फ़ौरन तो नहीं हो सकता, सही ठीक सीखने में उनको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, फिर उसके बाद शायद कर लें बेहतरीन। जी। अच्छा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन, आप लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में आते हैं, मतलब कि लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने हैं, और फिर थोड़ा सा ये बता दें आपके फूड एक्सपेंसेस कितना हो जाता है। ठीक है ये थोड़ा सा, क्योंकि हर बंदे के माइंड में होता है यार मैं अगर नेगोशिएशन कर रहा हूँ, अगर उसको कोई ऑफर आती है तो जी जी वो अगर नेगोशिएट कर रहा है तो उसमें एक वो सोचता है कि यार मैं इतनी सैलरी बताऊं तो उसके अगेंस्ट मेरे एक्सपेंसेस कितने होते हैं जी यार। अच्छा, एक्सपेंसेस इधर डिफर करते हैं, अगर आपने सस्ता खाना है तो सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा भी मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंसेस इधर ज़्यादा ही हैं। अब रियाद में स्पेशली एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, जी और जिस एरिया में हम रह रहे हैं इस टाइम वो तो बहुत महंगा एरिया है एग्जैक्टली जी, सो आपका ये मतलब कि तो रूम का अगर शेयरिंग पे है तो मतलब क्या एक्सपेंस है, एक अपार्टमेंट और अच्छा, अब वॉशरूम और किचन? हमारा अपार्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 20,000 ईयर पे है, तो जी 20,000 तो ये सीधा सीधा अपार्टमेंट का हो अपार्टमेंट का जाता है, चला गया जो कि शेयरिंग बेस पे हम कर रहे हैं, अकेला राइट, बंदा नहीं अफोर्ड कर बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। और उसके अलावा बाकी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो कहीं बाहर जाना या सारा कुछ, फिर वो मिला जुला के 2,000 से 2,500 तक बिल्कुल खर्चा ऐसे तो ही आ जाता है, बिल्कुल ईजीली आ ऐसे जाता इजीली आ जाता है। है। और जो मतलब कि अगर मैं कुकिंग, आप कुकिंग खुद करते हैं कि जी, बाहर से? कुकिंग खुद भी कर लेते हैं बाहर और से भी। बाहर से हाँ भी। मेरा भी यही सीन है कि मतलब मोस्टली यही होता है कि कोशिश के घर में ही बना के खा हाँ, लीजिए, कोशिश अगर यही है कि आउटिंग पे घर। कहीं बाहर है तो फ्रेंड्स के साथ बंदा आउटिंग पे जी बाहर जी चले जाए। ठीक है, ऐसा मुझे बताएं कि मतलब कि आपको क्या लगे सिटी वाइज अगर देखें कि अपॉर्चुनिटीज आपको किस सिटी में ज़्यादा नज़र आ रहा अभी तो टेक इंडस्ट्री में अगर बात करें तो रियाद में सबसे ज़्यादा है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज? उसके अलावा जद्दा है, लेकिन जद्दा में मेरा सिर्फ एक दोस्त है वो काम कर रहा है, और इधर एसटीसी में काफ़ी, और रियाद में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, सही काफ़ी जानने वाले इधर आए हैं, कुछ जा के वापस भी चले गए हैं कि उनको समझ नहीं आया इधर का एनवायरनमेंट, ठीक है लेकिन ओवरऑल ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रियाद में है। सही। अब थोड़ा सा ऑब्वियसली आपके काफ़ी कनेक्शन भी बन गए हैं, जी जो कि एक सवाल है हर बंदे के माइंड में होता है कि मतलब कि सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको क्या लगता है कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है बंदा एज अ टेक गाय, और आपकी फील्ड का अगर हो एक्सपीरियंस वाइज एक रेंज हाँ, एक मतलब कि? रेंज अगर तो आप एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, सऊदी में मेरा नहीं ख्याल कि कि फ्रेश को किसी क्रैश को को भी लेंगे, एग्जैक्टली ऐसे कभी ही भी नहीं लेंगे, वो फ्रेश के साथ एक्सपेरिमेंट करने के सख्त खिलाफ है, उनको एक्सपीरियंस तो लाजमी चाहिए, और ख़ास तौर पे मिडिल ईस्टर्न रीजन का अगर एक्सपीरियंस है तब भी, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 10K उस अपवर्ड जाता रहता है, सही और इतना बेहतरीन ही है, इससे बेहतरीन अलावा तो नहीं है। ये मिनिमम 7 पे भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ 7-8 हज़ार पे, लेकिन वो कम है, ज़्यादातर जिनको देखा है वो 10 से ऊपर ही ले रहे सही हैं। बेहतरीन।
अच्छा थोड़ा सा मतलब कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे हो, या आपकी साइड से कोई, ऑब्वियसली आप 2021 में ग्रेजुएट हुए, ठीक जी है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हो एक जी टेक्निकल फील्ड के हाँ अंदर, तो कोई आप मैसेज देना चाह रहे हो जो फ्रेश ग्रेजुएट हो, उनको क्या करना चाहिए, जो अभी ग्रेजुएशन में अभी जा रहे हैं, या जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए हैं, या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2-3 सेमेस्टर गुजर गए हैं, वो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें तो उस वक्त आइडिया नहीं ना था, आप ऐसे तो ही फिर है भी बिल्कुल मतलब कि काफ़ी अच्छी जी अपॉर्चुनिटीज लेके किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। जी मेरे ख्याल से सबसे पहला तो नेटवर्किंग और दूसरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और हैकाथॉन्स में जाएं। लाहौर में मेरे ख्याल से मैं जब ग्रेजुएट हो रहा था तो इतने ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज आती थी। मैं सबसे पहले, मुझे याद है, मैं मेरे ख्याल से यासिर बशीर से मिला था इन 2018। तो पाइकॉन इवेंट उन्होंने करवाया था, जो नेट सोल के आई थिंक वो ऑनर हैं। जी तो इस तरह आपको नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए, लोगों के साथ जाके बात करें, फिर ही रास्ते निकलते हैं। अगर आप घर बैठे रहेंगे या क्या उसको कहते हैं, सिर्फ ऑनलाइन देखते रहेंगे, तो वो इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। फिजिकल इंटरेक्शन कैन नॉट रिप्लेस, वो ऑनलाइन इंटरेक्शन कैन नॉट रिप्लेस फिजिकल इंटरेक्शन एट ऑल। तो जाना चाहिए, इवेंट्स होते हैं, इस्लामाबाद में काफ़ी होते हैं, लाहौर में काफ़ी होते हैं, कराची का आई हैव नो आइडिया, बट शायद कराची में भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा कोई प्रो एंड कॉन्स बता दें सोडिया के। प्रोस तो यही है कि अभी ये बूम कर रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और अभी ये क्योंकि बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को स्क्रैच से, तो ये अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं जो कि और कंट्रीज में हमें नहीं मिलते। तो उसके अलावा कभी एक ना एक दिन वापस जाना है जो सबसे ज़्यादा इशू है, और इकामा का भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे आपको एग्जिट लेके जाना है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो यही कॉन्स हैं। उसके अलावा एज सच, अगर एज अ मुस्लिम देखा जाए तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं सऊदी में, जो कि किसी और कंट्री में कंट्री में नहीं आपको है मिल ही एग्जैक्टली। नहीं सकती। ये 800-900 किलोमीटर पे आप मक्का जा सकते हैं, आराम से उमरा कर सकते हैं, अजान की आवाज़ आ जाती है, हलाल खाने को मिल जाता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्री में मिलेगा। ऐसे ही है, जी इवन कि यहाँ पे हर सऊदी 5 वक्त का नमाजी है, वो जैसा जी मर्जी है। जैसा मर्जी है, लेकिन 5 वक्त का नमाज। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा थैंक यू सो मच जी, थैंक वलीद फॉर यू गिविंग योर टाइम। आई जी। थिंक दिस इज़ ग्रेट कन्वर्सेशन। इट्स विल बी हेल्पफुल फॉर देम, ऑब्वियसली फॉर द फ्रेश इंशाल्लाह ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस पर्सन। आई होप। ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर यार देते। सब्सक्राइब करना कर दिया करें भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।